लिट्टी के लिए हमने आटा लगा दिया है। इसमें हमने 2 चम्मच घी डाला था और स्वाद के अनुसार नमक डाला था। डाल करके इसको मोयम लगा लिए थे। मोयम लगा के इसको हम एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम सत्तू की तैयारी करते हैं। तो लिट्टी का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये सत्तू है। पहले हम एक बर्तन में सत्तू ले लेंगे। यहाँ पे प्याज है कटा हुआ, लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च है, अचार है और अचार का मसाला है, अजवाइन है, इन सबको हम और नींबू का रस डाल करके मसाला को तैयार कर लेंगे हम सत्तू का। और आटा जो हम गूंद के रखे थे उसका लोई बनाएंगे। बना के इस तरह से हम भरावन को भरेंगे उसमें और अच्छी तरह से इसका मुंह हम बंद कर देंगे, नहीं तो ये फट के निकल जाएगा। और गोल गोल बनाएंगे इसको। हम अप्पे का बर्तन में बनाएंगे जिसमें इसमें तेल घी ज़्यादा नहीं लगेगा और रोस्ट भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। और इसका साइज़ देखिए छोटा है, जब ये बनेगा तो फूल फूल के बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम सभी लिट्टी को तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको मध्यम हीट पर ढक के पकाएंगे। आप चाहे तो हल्का सा घी भी लगा सकते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। लो हीट पे इसको हम चढ़ा दिए हैं और ढक्कन लगा देंगे। करीबन 10 मिनट हो गया है। इसको हम एक बार उलट के देख लेंगे। देखिए कितना इसका साइज़ देखिए बड़ा बड़ा हो गया। ये थोड़ा भी कच्चा नहीं रहता है, अच्छी तरह से पक जाता है इसमें। इस तरह से हम सभी को पलट देंगे। बहुत इजीली पलट जाता है। इस वजह से इसको हम ढक दिए थे। देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसको घी में डुबा कर भी निकाल सकते हैं। तो ये तैयार है लिट्टी। अब हम चोखा बना लेते हैं। आप लोग अपने घर में बनाते हैं कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं और 1 बैंगन भी है। दोनों का अलग अलग हम चोखा तैयार करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से तेल लगा लिए हैं और इसको हम भून लेंगे। बैंगन है, बैंगन में थोड़ा सा हम कट लगा के उसमें हम 2-3 लहसुन डाल दिए हैं और हरी मिर्च। उलट पलट करके हम रोस्ट कर लिए। अब रोस्ट हो चुका है टमाटर, उसको हम छील लिए हैं। छील कर अब हम इसको मैश कर लेंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे, नमक है, प्याज है, हरी मिर्च है, लहसुन जो हम पकाए थे जिसको हमने भून लिया था लेकर के उसको अच्छी तरह से हम मैश करके चटनी बना लेंगे। देखिए लिट्टी और चोखा सर्व कर दिया है हमने। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक कर